हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। मैं हूँ गणेश एंड फाइनली हमने हमारा जो ड्रीम पीसी है वो बाय कर लिया है। एंड या इसमें जो कुछ हमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं उसका मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूंगा। सो या वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ओके, तो फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे जो मॉनिटर बाय किया है वो है एलजी की तरफ से आने वाला आईपीएस गेमिंग मॉनिटर, जिसका मॉडल नंबर है 24MP59G 60cm 24 इंच, फुल्ली आईपीएस पैनल है, गेमिंग मॉनिटर है, 1 मिलीसेकंड का इसका रिस्पांस टाइम है। ओके, एंड इसमें हमने ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है एसुस की तरफ से आने वाला एनविडिया G4GT710 2GB लो प्रोफाइल ग्राफिक कार्ड है, जो कि डिस्प्ले आने के लिए मैंने लगाया, इन फ्यूचर में इसे अपग्रेड कर लूंगा। एंड इसमें हमने यूज किया है एक्सपीजी की तरफ से आने वाली गैमिक्स S5M.2 SSD 256GB की हमने यहाँ पर SSD यूज की है। एंड अब बात करते हैं हमारे रैम की, तो रैम हमने यूज की है एक्सपीजी की तरफ से आने वाली गैमिक्स D30 DDR4 मेमोरी 8GB 3200MHz पे रन करती है। एंड एंटी स्पॉट्स की तरफ से आने वाली हमने यहाँ पर पावर सप्लाई यूज की है, तो पावर सप्लाई हमने VS500L VLU सीरीज पावर सप्लाई यूज की है, जो कि आती है 2 ईयर वारंटी के साथ। एंड इसमें जो हमने मदरबोर्ड यूज किया है वो है ASUS की तरफ से आने वाला ASUS Prime H410ME, जो कि ड्यूअल रैम स्लॉट्स के साथ आता है। एंड यहाँ पर कीबोर्ड एंड माउस की बात करें तो हमने यहाँ पर कीबोर्ड माउस कॉम्बो बाय किया है, जो कि आता है एनटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला KM540 सीरीज का प्रो बैकलेट गेमिंग कॉम्बो किट। सो या एंड और एक चीज रहेगी, तो इसमें हमने ऐड किया एक 1TB की हार्ड डिस्क, जो कि WW की 1TB हार्ड डिस्क हमने यूज की है। एंड प्रोसेसर हमने जो यूज किया है वो है इंटेल का i5 10th generation 10400F एंड 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। एंड सीरियसली बोलता हूँ, जो इसका परफॉर्मेंस है इस पीसी का, भाई नो वर्ड्स एडिटिंग फुल एंड फाइनल। ओके, सो मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि ये कंप्यूटर कितना फास्ट है, इसको मैं ऑन करके दिखाऊंगा। ओके, सो ये हमारा जो पीसी है इसे मैं आपके सामने स्टार्ट करके दिखाऊंगा एंड इसका परफॉर्मेंस देखना कितने सेकंड में ये स्टार्ट होता है। ओके, सो मैं आपके सामने यहाँ पर इसका जो प्लग है वो स्टार्ट कर दिया हूँ एंड आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया एंड आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो भाई, कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो गया, और क्या ले रहे हो ब्रो, एडिटिंग लेवल का पीसी है, इसमें आप चाहे तो गेमिंग भी कर सकते हो। एंड ओके, एंड ये जो कीबोर्ड है इसके मैं आपको कुछ फैसिलिटीज बताता हूँ। ये एंटी स्पोर्ट्स का कीबोर्ड, एंड इससे आप यहाँ पे इसकी जो लाइट्स है वो चेंज कर सकते हो एंड इसे ब्रीदिंग मोड में भी आप डाल सकते हो। इसके लिए आपको फंक्शन की एंड ये जो की है इसे प्रेस करना होगा। एंड मॉनिटर एलजी की तरफ से आने वाला दिखाई दे रहा है, आई थिंक हाँ आईपीएस एलईडी। ओके, एंड ये जो हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट बताना बॉस कैसा लग रहा है, कैबिनेट देखो यार भाई, आप एक टाइम के लिए मेरे को शौक हो गया था ब्रो, इतना कैबिनेट जबरदस्त लग रहा था। आरजीबी देखो, एंड इसके अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ऊपर इसके ऊपर हमें एक पावर स्विच मिलता है, एक रीसेट स्विच मिलता है, ये है USB 3.0, ये है USB port 2.0, एंड हेडफोन जैक, माइक्रोफोन जैक एंड टाइप सी केबल। ओके, एंड इसके अंदर की मैं आपको बात बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिखेगा नहीं शायद, इसको थोड़ा सा मतलब स्लाइड करना पड़ेगा। सो या एक मिनट सेकेंड, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर हमने लगाया इंटेल का i5 10th generation 10004F 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर आता है। एंड इसमें हमने जो रैम लगाई वो है HPG की तरफ से 8GB DDR4। ओके, ये ग्राफिक्स कार्ड है, तो कैसा लग रहा है बताओ कमेंट बॉक्स में, एंड आपको पीसी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ये मेरा ड्रीम पीसी था, क्या बोलूँ, बहुत दिन से
इसका वेट कर रहा था मैं। अब फाइनली जो हमारा पीसी है वो आ चुका है एंड आप देख सकते हो कि मैं रात के में कितने बजे है, जूम हो जा भाई, अरे 1 मिनट, 1:16 में रात के में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड ये हमारा माउस एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ये जो हमारा माउस है ये, एंड या ये मेरा कुछ कंप्लीट सेटअप। आप बोलोगे कि ये टेबल है इसकी है तो इस पर अभी वो सनमाइक लगाना बाकी है, तो क्विक आपको सेटअप देना चाहता था बट बहुत कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सेटअप को लाओ, तो इसलिए मैंने ये सेटअप को लाया है। एंड इसको मैंने कुछ इस टाइप से माउंट किया है इस टेबल को, जो कि फ्लोटिंग टेबल है। तो या इन फ्यूचर हम फेस कैम वीडियो भी स्टार्ट करेंगे अलग अलग कंसेप्ट के साथ। तो या चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आपको पीसी अच्छा लगा हो तो या एक लाइक बनता है इस पीसी के लिए। एंड आपको ये पीसी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।